हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों बैड बॉय, जी हाँ दोस्तों, बैड बॉय जो कि सक्सेस फुल हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस में धमाका कर चुकी है और कल इसका पार्टी भी हो गया दोस्तों। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं दोस्तों हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए, पार्टी खत्म हो गया अभी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, देख सकते हैं दोस्तों प्रियंका जी का खुशी, आप सोच सकते हो कि कितनी खुश है ये। खैर जो भी हो दोस्तों, हम प्रियंका जी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस पार्टी कल मनाया गया बैड बॉय मूवी की तरफ से प्रियंका जी। और चलिए आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय है, और आपने मूवी भी देखा, एक बार नहीं दो दो बार देखी थी आपने, तो चलिए आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस पर लंबी बातें होगी दोस्तों प्रियंका जी से, और छोटा सा सरप्राइज भी है, तो प्लीज़ ऑडियंस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो यार प्रियंका जी का तो बात मानना ही पड़ेगा आपको, एंड तक देखना वीडियो प्लीज़। मेरी बात मानेंगे, फैंस हैं आपके वो लोग मानेंगे जरूर। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करना। बैड बॉय को मिली सक्सेस, बैड बॉय नहीं, बैड बॉय मूवी की बात कर रही हूँ। नामाशी सर एंड अमरीन मैम की जो हाल ही में मूवी आई थी बैड बॉय, वो मूवी सक्सेसफुल हुई। ये मूवी एक्चुअली देखो, कुछ पब्लिक बोलेगी कि डिजास्टर है, फ्लॉप है, बट सॉरी टू टेल यू, इस मूवी का जो मेन मोटो था वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना नहीं था। अमरीन मैम एंड नामाशी सर की पहली डेब्यू मूवी थी, वो चाहते थे कि उनको पब्लिक एक्सेप्ट करे, उनको अच्छा रिस्पांस मिले, कलेक्शन मैटर अभी नहीं करता है। उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया कि बस पब्लिक का अटेंशन खींचना है, बाकी सब बाद में चलेगा। एंड वो इतना सक्सेसफुल हुआ, मतलब पब्लिक ने, ऑडियंस ने, क्रिटिक्स ने भर भर के प्यार दिया, भर भर के सपोर्ट किया, एंड किसी ने नेगेटिविटी नहीं की मूवी को लेके। मतलब नामाशी सर की पहली डेब्यू मूवी है, उनकी एक्टिंग को लेके इतना ज़बरदस्त उनका रिस्पांस आया है। अमरीन मैम की क्यूटनेस को लेके काफ़ी कुछ मतलब बातें हुई ऑडियंस के बीच, क्रिटिक्स भी काफ़ी तारीफ़ें करने लगे, पब्लिक को भी बहुत पसंद आया। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पब्लिक आर द मेन क्रिटिक्स, तो पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया एंड मूवी को सुपर डुपर हिट अपने आप में ही साबित कर दी है। सो नामाशी सर की मैं एक तारीफ करना चाहती हूँ कि आप में बहुत टैलेंट है, आपको एक्शन, कॉमेडी एंड इमोशनल, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिया मूवी में। आई एम श्योर आपको आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, चाहे वो एक्टिंग में कॉमेडी करना हो या एक्शन करना हो, आपको ज़बरदस्त करेंगे। एंड अमरीन मैम की क्यूटनेस ही काफ़ी है, सो वरना एक्शन, मतलब उनकी जो एक्टिंग थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसको बोलना ज़रा जाके, वो ओवर एक्टर को, कुछ सीखी अमरीन मैम से। ऑडियंस समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस ने इस मूवी को सपोर्ट करके इतना सारा प्यार दिया। एंड ये सक्सेस पार्टी कल जो थी वो इसीलिए रखी गई थी कि उनकी मूवी को पब्लिक ने एक्सेप्ट किया एंड लोगों ने भर भर के प्यार दिया, बस इसीलिए वो सक्सेस पार्टी रखी अच्छा, गई थी। कल से याद आया मुझे, जब कल अपन वहाँ पे गए सक्सेस पार्टी में, फिर आप उधर पे खड़ी थी, फिर मैंने देखा कि अचानक से एंट्री होती है नमासी चक्रवर्ती एंड अमरीन मैम की। उसके बाद मैं वीडियो शूट करने के लिए अपना मोबाइल निकालता हूँ और मैं शूट करता हूँ उनको, फिर अचानक से कैमरे में मुझे ये दिखता है कि नमासी सर आपके पास जाते हैं, और पता नहीं आप उनसे मिली, आपको उन्होंने पहचाना और क्या बात हुई हो तो बोले जाने, बट आप कितनी खुश हुई उस वक्त, आपकी जो चेहरे की खुशी थी, जो स्माइल थी, देखो अभी भी आप स्माइल दे रही हो चेहरे पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप अलग ही दुनिया में खो गए अचानक से। जी पहचाने से कर गई, देखो ऑडियंस मुझे पहचाने से कर गई। हाँ ऑडियंस ये बात सच है, कल मैं जैसे कि सातवें आसमान पे पहुँच गई थी। कल का एक इंसिडेंट मैं आपको एक शेयर करना चाहती हूँ ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को। कल मैं ऐसे ही खड़ी थी, मतलब मैं वेट कर रही हूँ, 7 बजे का टाइम था पार्टी का, हम वहाँ गए, उन लोग आए नहीं थे, हमने काफ़ी वेट किया, तो पता चला कि थोड़ा टाइम लगने वाला, तो हम वेट कर रहे थे ऊपर। फिर नीचे उनकी प्रेस मीट हुई, देन वो लोग ऊपर आ गए, तो जब उनकी एंट्री हो रही थी तब मैं एक जगह खड़ी हो गई, मैं बस उनको एडमायर कर रही थी, जो हमारे होस्ट है वो उनको कवर करने के लिए गए थे, मैं ऐसे ही खड़ी थी, मैं उनको एडमायर कर रही थी। नामाशी सर चलते हुए आते हैं एंड आई वॉज सो शॉक्ड, नामाशी सर मेरी तरफ आते हैं, मुझे उन्होंने अपने मेरे नाम से पुकारा एंड मुझसे बातें की। सो आई वॉज लाइक, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कि नामाशी सर ने मुझे पहचान लिया, मेरे साथ ही बातें करें। इनफैक्ट वहाँ पे काफ़ी मीडिया थी, काफ़ी उनके गेस्ट थे एंड उन लोग के सामने ऐसा हुआ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड नामाशी सर के इस जेस्चर से ना मैं बहुत खुश हुई, वरना सोचो ना कुछ कुछ एक्टर्स ऐसे रहते हैं कि मूवी के अच्छी चलने पर उन्हें घमंड आ जाता है, पर नामाशी सर ऐसे बिल्कुल नहीं है। पहली बात कि वो मिथुन सर के बेटे हैं, लेजेंडरी एक्टर, इतने बड़े एक्टर है, उनको कौन नहीं जानता है।
उनके बेटे रहकर उनमें कोई एटीट्यूड नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, हंसता हुआ चेहरा लेकर सबसे मिल रहे थे। चिंता से याद आया कि आपने अभी रिसेंटली मुझे बताया था कि आपकी मम्मी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, मेरी मम्मी उनकी डाई हार्ड फैन है। वो जब मिथुन सर की, मतलब उनकी जवानी में, मम्मी की जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जब वो मेरे एज के थे, यंग एज में थे, तब मिथुन सर की जब अपनी जवानी में सारे मूवीज आ रहे थे ना, तब मम्मी को पता है प्यार झुकता नहीं, मम्मी आज भी याद करती है मम्मी के, वो उनकी बहुत ही फेवरेट मूवी है। एंड मेरी मॉम ऐसी है ना कि न्यूज़पेपर से मिथुन सर के फोटोज आते थे ना, वो काट काट के दीवार पे चिपका देती थी। मेरी मॉम इतनी बड़ी फैन है मिथुन सर की। तो जब मैंने मम्मी को, हाँ मैंने मम्मी को जब बताया कि मम्मी मैं नामाशी सर से मिली, नामाशी सर ने मुझे पहचाने, मुझसे बातें की, सो मेरी मम्मी तो मुझसे ज़्यादा ही सातवें आसमान पे थी। शी वॉज लाइक कि मैं जिनकी फ़ैन थी उनके बेटे से तो मिलकर आ रही है, सो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई वॉज सो हैप्पी लिसनिंग टू दिस। के अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि नमासी सर आपके पास आते हैं, मैंने नोटिस किया था वीडियो में, और आपसे कुछ तो बातें करते हैं। अभी मुझे पता नहीं, ये आप बताओ कि आपसे नमासी सर ने वो कौन सा वर्ड कहा, ऑडियंस भी जानना चाहेगी और मैं भी जानना चाहता हूँ। नमासी सर ने मुझसे बात की, बट वो एक सीक्रेट है मेरे और नमासी सर के बीच में, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वक्त आने पे बताऊंगी। बता दो, नहीं तो तुम्हारे जो हेटर्स है ना वो पागल हो जाएंगे। कह रहे ये पागल हो रहे, तो पागल खाने में रहे। कौन सी बात है जो प्रियंका जी को बताती है? नहीं, अगर मैं अभी बता दूंगी तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा ना। वो एक है, सीक्रेट है मेरे और नमासी सर के बीच में, वो जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी। चलिए, ये सीक्रेट आप अपने पास ही रखो। ऑफ कोर्स मेरे पास रखोगी, मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया। अरे तो मम्मी को नहीं बताई तो जाहिर सी बात है हम लोग को कहाँ से आप बताओगे। चलिए अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा कि आज से 6 महीना पहले, मुझे आज भी वो दिन याद है, डेट याद नहीं है, दिन याद है जरूर, मंडे या संडे था, आपने मुझे एक बोला था कि आपकी जो फेवरेट एक्टर है कोई, जो कि सिंगर है, बहुत अच्छे गाने गाते, उनके हेयर स्टाइल की तारीफ, मतलब कि देखो अभी अभी आपकी स्माइल से ही मान चल रहा लग रहा है कि अभी आप गिर जाओगी। माय रोमियो। हाँ, कल मैं रोमियो से मिली। इनफैक्ट ऑफकोर्स उनको तो आना ही था, उनकी बहन अमरीन मैम की सक्सेस पार्टी थी तो उनको तो आना ही था। सो मैं वहाँ पे ऐसे ही खड़ी थी एंड मैंने सडनली देखा रोमियो अंदर आए एंड मैं उनको देखते रह गई। मुझे तो चक्कर आने लगे कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। सो आई वॉज सो हैप्पी, रोमियो ने मुझे ऐसा वेव भी किया एंड देन थोड़ी हम पार्टी में बैठे, देन उसके बाद उनसे फ़ोटो खींचने का मौका मिला हमें, वो आए सबसे मिलने के लिए। देन उसके बाद हमने फ़ोटो खींचा, तब मैंने रोमियो से भी मुलाकात की। वहाँ पर मैंने रोमियो से मैंने मुलाकात की एंड आपको क्या ज़रूरत थी उनको ये सब बातें बताने की? हाँ, मैंने क्या बताया, बताओ वो आप बताओ ऑडियंस को, ये कोई बताने वाली चीज़ होती है? और ऑडियंस को क्या बोला मैं, ऑडियंस को यही, सॉरी अपना रोमियो सर को मैं क्या कहा, रोमियो को ये बोला मैंने, ये आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, आज से 6 महीना पहले, 6 महीने तो सो जब भी मिलती है रोमियो रोमियो करती रहती है, फाइनली आप इनके सामने खड़े हो, फिर देखा आपका अलग ही रिएक्शन था और रोमियो का अलग ही रिएक्शन था उस वक्त भी, उन्होंने वो भी खुश हो गए ये सुनकर। अरे कोई तो है लेडी दीवानी मेरी। नहीं ऐसा नहीं, उनके काफ़ी सारे दीवाने हैं, दीवानी है, सब है, बट ऐसा है कि मैंने कभी उनके एल्बम सॉन्ग का कभी रिव्यू नहीं किया, बिकॉज वो ऐसा हम कभी एल्बम सॉन्ग का रिव्यू करते ही नहीं है, इसके लिए मैंने वो कभी किया नहीं, बट सोशल मीडिया में मैंने उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत उनके बारे में पोस्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने किया है, बट कभी रिव्यू नहीं किया इसके बारे में। सो आज ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि रोमियो के कुछ गाने हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनके नाम से उनका चैनल है रोमियो, आप टाइप करो तो आपको मिल जाएगा, इट्स RROMEO। क्या बात है। सो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, उसमें उनका 13 फितूर वो ज़रूर देखना, अगर आपको दिल को ना छुए तो मुझे बताना। चाहिए तो यही बहाने प्रमोट कर रही हूँ। नहीं मैं बता रही हूँ ऑडियंस को बताना, पता चलना चाहिए ना, जो हमारे ये प्रमोट भी हो रहा है ना। नहीं बट जो हमारे तेलुगु ऑडियंस है, जो कन्नड़ा ऑडियंस है, उनको पता चलना चाहिए ना, जो हमारा वीडियोज़ देखते हैं कि ये रोमियो आखिर है कौन। तो यूट्यूब पे उनके ना काफ़ी एल्बम सॉन्ग्स हैं, उनका 13 फितूर आप ज़रूर देखना, उनके और भी सारे गाने हैं, पर आपके दिल को छू जाएगा उनका गाना, वो इतने अच्छे सिंगर हैं। सवाल, लास्ट सवाल है मेरा ये आपसे कि आज से 6-7 महीना पहले जब आप रिव्यूज स्टार्ट की थी हमारे चैनल के, एक साल हो गया हमारे चैनल से रिव्यूज स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो हम लोग अभी इवेंट जाने लगे, एक्टर्स से मिलने लगे, आप इंटरव्यू करने लगे, अभी तो ऑडियंस आपको इंटरव्यू में
ज़्यादा देखती हैं और रिव्यूज़ में कम देखते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं सपने जैसा कुछ ऐसा मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ सपना ही देख रही हूँ, सब सपने में हो रहा है कुछ कुछ चीज़ें, ऐसा लगता है मुझे। एंड ये सब ना मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनका हाथ हमारे सर पे है एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सब चीज़ें करने की। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो फैंस, जो दिल से हमारे फैंस हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं तो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दुश्मन वो तेल लेने गए, जारी से बात है, फैंस होते हैं तो दुश्मन भी होते हैं ना। दुश्मन देखो, दुश्मन तो बड़े बड़े एक्टर्स को भी होते हैं, सलमान सर के भी कितने सारे हेटर्स हैं, शाहरुख सर के हेटर्स हैं, अक्षय कुमार सर के हेटर्स हैं, जब इतने बड़े स्टार्स के हेटर्स हैं तो हम तो मामूली यूट्यूबर्स हैं यार। तो सो हेटर्स सबके होते हैं, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इग्नोर करना है। एंड अगर वो हेट करते हैं मतलब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये तो पॉइंट वाली बात बोल रही है, अगर आप मुझे कोई गलत सलत बोलने लगा या हेड करने लगा, ऑफ कोर्स जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स दिखाए थे तो उसे साफ पता चल रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसीलिए हमारे हेटर्स हो रहे हैं। एंड अगर हेटर्स हो रहे हैं मतलब हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहे हैं, यू नो वो एक बात होती है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब इतना साथ दिया हमारा ऊपर वाले ने, उनकी दुआ है हमारे ऊपर। सो बस ऐसे ही हम आगे सक्सेसफुल होते रहिए एंड हमारा ग्रोथ होते रहिए। बस ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस हमारा वीडियो देखते फिर चले जाते, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, इतनी हम मेहनत करते हैं, मतलब जो एक्टर्स हैं उनसे हम यू नो ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाते हैं, बट ऑडियंस ऐसे है कि वो यू नो सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अगर आपको आगे और एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बोलूँगी कि कल मेरे लिए एक बहुत ही खास दिन था, तमाशी सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा, अमरीन मैम के साथ मुलाकात हुई एंड ऑफकोर्स मेरे फेवरेट रोमियो से भी मैंने मिल लिए। सो बस इतना ही बोलूँगी कि इनकी मूवी को जितना सक्सेस मिला है, मुझे जितना डिजर्व करती थी उससे भी ज़्यादा मिला है इनको। एंड बस इतना ही बोलूँगी कि आगे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आए बस अच्छे से आपके प्रोजेक्ट्स यू नो सक्सेसफुल होते रहे। एंड उन्होंने कल अपने एक बाइट्स में कहा कि वो बहुत जल्द अपना नहीं जाने, वो सीक्रेट है वो मैं नहीं बताऊँगी, वो एक्चुअल में नहीं एक और सीक्रेट था जो मैं बाद में बताऊँगी, वरना वो उससे कनेक्शन था। सो जो भी हो लेट्स वेट कि आगे क्या होता है, हम देखते हैं, वेट करेंगे, ऑडियंस को भी वेट करने दो। सो मैंने अपनी बात रख दी, ऑडियंस आप बताएं कि बैड बॉय की सक्सेस को लेकर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है नामाशी सर एंड अमरीन मैम सक्सेस डिजर्व करती है कि नहीं करती है, जो भी हुआ है, जो भी आपके थॉट्स है प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कोई आपके सवाल है तब कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो मेरा वाले वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए बॉय बैटिंग वर्ल्ड।